हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पिक्चर गुरमन इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी बीटेक की वीडियो। इस वीडियो में रिंग थ्योरी चल रही थी, तो इसके जो टॉपिक हमने ये देखिएगा पहले दूसरे तीसरे एक वीडियो में कराए थे, चौथा पांचवा एक वीडियो में कराए थे, छठा सातवां टॉपिक एक वीडियो में कराया था। इस वीडियो में हम टॉपिक कवर कराएंगे आपके आठवां आइडियल रिंग क्या होती है, लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल, ठीक है। और साथ में जो एलिमेंट्री जो प्रॉपर्टीज हमने जो इससे पहली वाली वीडियो में बताई थी, कौन सी चीज हमने इससे पहली वाली वीडियो में बताई थी, ये प्रॉपर्टीज पाँचों की पाँचों प्रॉपर्टी है जिनको हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपको आइडियल रिंग समझने के लिए आपको दो बातों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। वो दो बातें भी आप सीख जाओगे, लेकिन उससे पहले आइडियल रिंग पढ़ने के लिए आपको ये दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एक तो लेफ्ट आइडियल, ठीक है, लेफ्ट आइडियल रिंग, और एक राइट, RIGHT, राइट आइडियल, ठीक है। अब इनको बिल्कुल भी बहुत प्यार समझना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा कि जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ऐसा समझिएगा कि R क्या है, R इज ए रिंग। R क्या मान लिया हमने, रिंग मान लिया है, और R में से लिया गया कोई सेट है S। S क्या है, नन एम्प्टी सबसेट, ठीक है, यानी कि नन एम्प्टी IMPTY सबसेट, ठीक है, सबसेट है क्या S का ही, ठीक है, R का ही कोई क्या है S, नॉन इम्पुटी सबसेट है। तो S को हम लेफ्ट आइडियल कहेंगे यदि वो, पहली बात तो ये दो कंडीशन फॉलो करना चाहिए कि S कॉमा प्लस क्या होना चाहिए, आपका सब ग्रुप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब ग्रुप, यानी कि S जो है सब ग्रुप होना चाहिए किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, यानी पॉजिटिव बोले तो प्लस के लिए, प्लस बोले तो एडिशन के लिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास में एक एलिमेंट तो हम R का लेंगे और एक एलिमेंट लेंगे S का, तो S का तो एलिमेंट लिया है हमने स्मॉल s, ठीक है, और एक स्मॉल R एलिमेंट लिया है R का, और यदि हम इसको लेफ्ट आइडिया बनाने के लिए, लेफ्ट आइडियल बनाने के लिए हम लेफ्ट से इसको R वाले एलिमेंट को हम लेफ्ट से ऑपरेट करेंगे इसके साथ में, लेफ्ट साइड से, और यदि ऑपरेट करने के बाद में ये जो एलिमेंट मिला है, इन दोनों को एलिमेंट ऑपरेट करें और ये एलिमेंट आए और ये एलिमेंट किस में मौजूद हो, इस S में मौजूद हो, तब हम इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, लेफ्ट आइडियल कहेंगे। और यदि मैं इसी चीज़ को मैं, यानी कि ये जो S का एलिमेंट S से लिया गया है और R स्मॉल R का जो एलिमेंट है R से लिया गया, इस R को इसके साथ में राइट से ऑपरेट करूँ और ये एलिमेंट फिर से S का एलिमेंट बन जाए, तो ये क्या कहलाएगा, राइट आइडियल कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट आइडियल कहलाएगा। समझ में आ गई बात, लेफ्ट का मतलब समझे। और यदि ये दोनों ऑपरेट करने का है, दोनों ही मिल रहे हैं, यानी कि दोनों में से कोई भी ऑपरेट करें या दोनों ही ऑपरेट करने सेम मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, आइडियल कहलाएगा, आइडियल रिंग, ठीक है, आइडियल रिंग। समझ में आई कुछ बात, नहीं पल्ले पड़ी तो देखो एक बात फिर से समझ लीजिए कि हमारे पास में लेफ्ट आइडियल के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, कौन कौन सी, कि पहली तो S जो है कोई भी, S क्या है, पहले तो S के बारे में जानो कि S क्या है, R कोई रिंग है और R का कोई सबसेट है S, और वो सबसेट कैसा है, नॉन एम्प्टी सबसेट है S। तो S क्या है कि S पॉजिटिव के लिए तो सब ग्रुप होना चाहिए, और एक एलिमेंट में S से लूं और एक एलिमेंट में R सेट से लूं, ठीक है, R से लिया गया एलिमेंट है, जब मैं R से लिए गए एलिमेंट को इसके साथ ऑपरेट करूं लेफ्ट साइड से, S के साथ में ऑपरेट करूं लेफ्ट साइड से, तो ये लेफ्ट आइडियल बनेगा, और यदि मैं राइट से ऑपरेट करूं तो ये राइट आइडियल बनेगा, ठीक है। और ऑपरेट करने के बाद में एक कंडीशन और है कि ये जो एलिमेंट बनेगा वो S में से आना चाहिए, ना कि और कहीं से, यदि ये ऑपरेट करा और ऑपरेट करने के बाद में S से एलिमेंट नहीं बना है तो ये फिर भी लेफ्ट आइडियल या राइट आइडियल नहीं होएगा, ठीक है। अब इसकी परिभाषा को जान लेते हैं कि परिभाषा को आप पेपर में लिखोगे कैसे, इसको एक बार और समझाऊंगा, पहले इसको परिभाषा को जानो, ठीक है, परिभाषा देख लीजिएगा। परिभाषा बहुत ईजी है, इससे ज़्यादा ईजी कहीं पर नहीं मिलेगी। कैसे, अभी हमने क्या बताया था, लेफ्ट आइडियल की ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर, यानी आर का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है एस, ठीक है, इज सेट टू बी, ठीक है, आर, ठीक है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर इज सेट टू बी लेफ्ट आइडियल ऑफ आर इफ, ठीक है, ये यानी कि एस आर का सबसेट सेट टू बी लेफ्ट आइडियल, यानी कि लेफ्ट आइडियल कहलाएगा यदि S इज ए सबग्रुप ऑफ R विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि S कॉमा
प्लस, यानी जैसे हमने पहले ही बता चुके हैं कि एस कॉमा प्लस एडिशन के साथ में क्या होना चाहिए, एडिशन के साथ सब ग्रुप होना चाहिए, सब ग्रुप। और आर एस बिलोंग्स टू आर एस इफ फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, यानी एस के सभी एलिमेंट एस के हों, आर के सभी एलिमेंट आर के हों, तब ये लेफ्ट से ऑपरेट करेगा तो आपका क्या कहलाएगा। देखो ये लेफ्ट से ऑपरेट करेगा तो जब ये कहलाएगा लेफ्ट आइडियल। और यही सेम कंडीशन ये है राइट आइडियल में कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर इज सेट टू बी रिंग आइडियल इफ, ठीक है, मतलब क्या है एक नॉन एम्प्टी, सेम टू सेम परिभाषा है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर, ठीक है, आपका क्या है कि एस को ही आर का नॉन एम्प्टी सबसेट है, इज सेट टू बी राइट आइडियल, राइट आइडियल कहलाएगा इफ, इफ कब, ठीक है, जब यदि एस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर, यानी कि एस इज ए सब ग्रुप अंडर द एडिशन, यानी कि एस क्या है आपका सब ग्रुप होना चाहिए अंडर द एडिशन है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि एस कॉमा पॉजिटिव क्या होना चाहिए आपका सब ग्रुप होना चाहिए। अब ये देखो आर को हमने राइट यहाँ पे क्या लेफ्ट से ऑपरेट कराया, यहाँ पे राइट से ऑपरेट कराया, जैसे कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि ये एस जो है आपका क्या है यहाँ पे आर को राइट से ऑपरेट कराया, फिर भी एस का एलिमेंट यहाँ पे लेफ्ट से ऑपरेट कराया, ये क्लियर है बात, ठीक है। अब हम इसके बाद में आगे की बात कर लेते हैं, एक बार और समझाना चाहें तो आप समझ जाओगे और कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। मतलब क्या है कि एस कॉमा पॉजिटिव तो क्या होना चाहिए आपका सब ग्रुप होना चाहिए, सब ग्रुप। और थ्योरी कैसे लिखोगे, लिख दोगे ऐसा लिख दीजिएगा थ्योरी आप, सिंपल सी भाषा कि लेट आर इज ए रिंग एंड एंड एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ठीक है। और फिर लिखोगे एस इज सेट टू बी ए, सेट टू बी ए लेफ्ट आइडियल इफ, ऐसे लिख सकते हो परिभाषा को, बहुत इजी परिभाषा, इससे ज्यादा इजी नहीं मिलेगी। लेट आर इज ए रिंग एंड एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, एस इज सेट टू बी ए लेफ्ट आइडियल इफ एस कॉमा पॉजिटिव, यानी एस प्लस इज ए सब ग्रुप, इज ए सब ग्रुप, पहली कंडीशन। दूसरी कि आर लेफ्ट पूछा है ना, लेफ्ट लेफ्ट, तो आर और एस बिलोंग्स टू एस, वेयर या फॉर ऑल, जहां फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर और एस बिलोंग्स टू एस, ये। और इसी परिभाषा को लिखोगे आप, ठीक है, यहां पे क्या लिख दोगे राइट कि आर इज ए रिंग एंड एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, एस इज सेट टू बी ए राइट आइडियल इफ, ये कंडीशन सेम की सेम, अब आर को इसके साथ में राइट से ऑपरेट करना, यानी एस आर बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर और एस बिलोंग्स टू एस, तो ये क्या कहलाएगा राइट आइडियल। अब बात कर लेते हैं अपने इसकी आइडियल की परिभाषा, तो आइडियल के लिए सेम टू सेम परिभाषा है, वही आगे बढ़ेंगे। तो देखो अब दोनों को एक साथ लिख देंगे आइडियल कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर इज सेट टू बी एन आइडियल आल्सो ए टू साइडेड आइडियल, टू साइडेड का मतलब लेफ्ट और राइट, इफ एंड ओनली इफ इट इज बोथ ए लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल्स, दस ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर इज सेट टू बी एन आइडियल ऑफ आर, ठीक है, इफ, यानी ये दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए कि एस इज सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन, एस इज ए, या इस तरीके से लिखो एस इज ए सब ग्रुप ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ आर, ठीक है। और ये नीचे लिख दोगे आर एस बिलोंग्स टू एस एंड एस आर बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी एस, मतलब क्या है कि ये दोनों बोथ ऑफ आर बिलोंग्स टू ये, ठीक है ना, ये बिलोंग्स टू ये एंड ये बिलोंग्स टू ये, बोथ ऑफ ऑल फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर एस बिलोंग्स टू एस और एस पॉजिटिव इज सब ग्रुप, देन ये क्या कहलाएगा आपका सेट आर एस जो कहलाएगा आपका आइडियल कहलाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है, आपको परिभाषा बिल्कुल यही लिखनी है। ये नहीं समझ में आए तो आप लिख सकते हो ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर इज सेट टू बी एन आइडियल या टू साइडेड आइडियल इफ एंड ओनली इफ इट इज बोथ ऑफ
इट इज सेटिस्फाई द लेफ्ट आइडियल, इट इज लेफ्ट आइडियल, या इट हैविंग लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल, या इट इज सेटिस्फाई द लेफ्ट आइडियल प्रॉपर्टी एंड राइट आइडियल प्रॉपर्टी, इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपका मतलब क्या होना चाहिए, मतलब साफ साफ और छोटी भाषा में वही होना चाहिए कि ये दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए। पहली क्या, एस कॉमा प्लस ये होना चाहिए और ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तब ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट आइडियल सॉरी आइडियल कहलाएगा। समझ में आ गई बात, इससे ज़्यादा सिंपल और इससे ज़्यादा मतलब परिभाषा अच्छी नहीं मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके आगे की, कि हमारे जो इसकी जो है उनकी जो प्रॉपर्टी जो थी उनको फॉलो करने की, जो प्रॉपर्टी थी उनको प्रूव करने का समय देखेगा। ये देख बहुत सिंपल सा, बहुत ही फास्ट फास्ट हम इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे। देखिएगा हमारी जो पहली प्रॉपर्टी थी क्या क्या थी, कि ए में जीरो की मल्टीप्लाई करें या जीरो में ए की मल्टीप्लाई करें, तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो देखिएगा लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, सिंस अब जानते हो कि जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो रहेगा। अब मैं इसमें ए की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इधर के राइट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए दोनों बोथ साइड में ए जीरो प्लस जीरो यानी एक, ये जीरो, तो अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो ए जीरो और इसकी ए जीरो, ये ए जीरो रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें माइनस ए जीरो दोनों साइड में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस ए जीरो दोनों में यहाँ पे भी ऐड कर दिया और यहाँ पे भी ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि यदि मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एक एलिमेंट मानूँ इसको, तो इसका ये इन्वर्स एलिमेंट होगा एडिटिव के लिए, तो इनका आइडेंटिटी एलिमेंट आज जीरो आ जाएगा, और ऐसे यहाँ पर ये दोनों को ऑपरेट करूँगा तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जीरो प्लस ए जीरो और ये, और आइडेंटिटी के साथ में उसकी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि ये आएगा ए माइनस ए बराबर आइडेंटिटी, यानी ई आइडेंटिटी आ जाएगा, और आइडेंटिटी के साथ में ई प्लस ए करते हैं तो आपका ए रहता है, यानी कि ये ग्रुप की प्रॉपर्टी के साथ में प्रूव करना है, तो इसलिए मैंने ये दोनों प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पर, ये आ गया। और जीरो यानी जीरो कोई एलिमेंट मानूंगी मैं इसको, तो इसके साथ में ऑपरेट करूंगा तो फिर से ये क्या आ जाएगा, ये तो एलिमेंट रहेगा, इधर जीरो आ जाएगा। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि ए जीरो बराबर ए, और यही चीज़ क्या थी, क्या जीरो प्लस ए, ठीक है, पहले प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। और दूसरी देख लीजिएगा, ये दूसरी कि बी और माइनस बी, बी हमें क्या लेके आना था, जब ए माइनस बी या माइनस ए बराबर माइनस ए बी, ठीक है, यही चीज़ आ जाएगी। देखिएगा कि मैंने पहले लिया बी प्लस माइनस बी, ठीक है, बी के साथ में प्लस करा माइनस बी बराबर जीरो, आप जानते हो इसी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब मैं ए की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए बी, ये ए की दोनों दो बोथ साइड मल्टीप्लाई करिए तो ए बी और ए माइनस ए बी बराबर, ए की मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने प्रूव करा है ए जीरो बराबर ये, ठीक है। अब ये इसके साथ में क्या करूँगा, मैं माइनस ए बी जोड़ दूंगा, माइनस ए बी मैंने जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, इसका इन्वर्स एलिमेंट है तो ये जीरो आ जाएगा, इसका यहाँ पर करूँगा तो इसके साथ में आइडेंटिटी जोड़ते हैं तो वो एलिमेंट जोंकत में रहता है, ये जीरो आ गया, जीरो में एलिमेंट जोड़ेंगे तो ये जोंकत में रहेगा, ये माइनस ए बी, तो ये ए माइनस बी बराबर ये चीज़ आ गई, ये प्रूव हो गया, ठीक है। ऐसी ये तीसरा है, देख लीजिएगा तीसरा, देख लीजिएगा तीसरा क्या है, ए ए माइनस बी बराबर माइनस ए बी, यानी अकॉर्डिंग दिस लिया मैंने, पुट ए बराबर माइनस ए सी पुट कर दूंगा तो माइनस ए सी बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पर ए की जगह माइनस सी पुट कर दिया मैंने दोनों जगह, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो है एलिमेंट क्या हो जाएगा, देखिएगा ये तो ये है, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने आपको प्रूफ बताया था कि यदि ये देखिएगा, ये हमने प्रूफ किया था ए और माइनस ए बी करेंगे, माइनस ए बी आया तो ये वाला माइनस तो यहाँ पर है, और इसके साथ में इसको ऑपरेट करेंगे तो ये आएगा, और इसके लिए यानी कि इसकी जो माइनस बाहर आ जाएगा ये आ गया, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, फिर से ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस होता है तो ये अंदर चला जाए, तो ये तो यही चीज़ प्रूफ करनी थी, ये आ गए, ठीक है। अकॉर्डिंग दिस आगे देख लीजिएगा, ये चौथी प्रॉपर्टी बी माइनस सी ए, तो बी प्लस माइनस ए सी कर दी, सी की मल्टीप्लाई कर दी तो बी ए सी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ये, और ये हमने अभी प्रूफ किया था कि ये माइनस बाहर आ जाता है, माइनस आ गया, ऐसे ही ये प्रूफ कर दिया। तो आई होप कि ये सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं कोई भी दिक्कत है तो आप हमको पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से बोर्ड पर प्रूफ करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और नए लोगों से खास रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।